हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपके फैशन टैल चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही सुंदर ड्रेस, बाजार जैसी बिल्कुल टी शर्ट बनाएंगे। ये मैंने पीस लिया है, देखिए। ये बनाएंगे हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल की। इसकी लंबाई 6 इंच है, चौड़ाई इसकी ये देखिए 3 इंच है। और ये हम इसमें पट्टी लगाएंगे। ये मैंने सीधी पे सीधी पट्टी काटी 1-1 इंच की, और इनको मैंने प्रेस से ये ऐसे बिठा लिया है 3 पट्टी को। ये हम लगाएंगे इसके बीच में, और जो ये वाइट है, और वाइट से हम इसके आमोल पर लगाएंगे और गले पर लगाएंगे। ये भी मैंने 1.75 इंच की ये और पट्टी काटी है, इसकी मैंने पाइपिंग बनाएंगे हम। इसी पाइपिंग से हम एक बार में इसको हम ऐसे लगाएंगे, तो ये एक ही बार में दोबारा नहीं लगाते, एक ही बार में हमारी ठीक हो जाएगी। और ये हमने लिए, इसके साथ हम निक्कर और कैप भी बनाएंगे साथ साथ। इसमें हम छोटी छोटी ऐसे करके इसकी जब बनाएंगे मैं तभी दिखाऊंगी। अब मैं टी शर्ट बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये इसमें पट्टी लगाएंगे, पट्टी हम इधर से लगानी शुरू करेंगे ऐसे ऐसे करके, सारे में ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे रख रहे। शुरू में हम इसको ऐसे बाहर की साइड थोड़ा सा मोड़ेंगे, क्योंकि ये हमें 2.5 इंच तैयार चाहिए, तो हम इसको जितना चाहिए इतना यहाँ मोड़ लेंगे। इसके ऊपर से लगाने शुरू करेंगे ऐसे पाइपिंग। चलिए लगाते हैं जल्दी से। ये देखिए दोस्तों, लगा ली हमने, ग्रीन पट्टी हमारी लग गई है। अब हम इसके बीच बीच में इनके ये ब्लू पट्टी लगा देंगे ऐसे करके। जैसे हमने ग्रीन लगाई है, तो इनके बीच में ऐसे करके इसको ये ऐसे लगाते जाएंगे ऐसे। पहले ग्रीन ग्रीन एक ही कलर से लगा लिया, अब ब्लू लगा लेंगे सारी। चलिए लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी पाइपिंग ने पट्टी हमने लगा चुके हैं, लग गई हमारी, कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमने इसकी तह कर ली है, 2 तह कर लेंगे इसकी। ये हमारा बीच हो गया। अब हमने इस पर ऐसे इंची टेप रखना है, ये ऐसे करके ये। अब ये 1/2 इंच है, जो 1/2 नहीं, ये गले का निशान लगा लेंगे यहाँ। और ये हम 1/2 इंच बाद इसका यहाँ ऊपर शोल्डर है, ये हमारा शोल्डर आ जाएगा। अब हम गले का इधर को ये ऐसे करके 1/2 इंच इधर को गल, 1/2 इंच इसको नीचे की साइड, ये देखिए ये ऐसे हमारा गला आ जाएगा। इसको ऐसे गोलाई कर देंगे, ये देखिए। और ये हम ऐसे काटेंगे इसको ऐसे करके, ये हमारे ऐसे आमोल बनेंगे। अब मैं इनको यहाँ से कटिंग कर देती हूँ, और फिर इन इसको इस पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम यहाँ साइड में लगाएंगे, अभी मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कट गया गला भी, ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे इधर से इसको एक हिस्सा, ये जो पीछे आएगा इसको यहाँ से कट कर देंगे ऐसे, इसको बिल्कुल अलग कर देंगे यहाँ से ऐसे करके। ये देखिए ये ऐसे हो गया। अब हम इस पर क्या करते हैं, यहाँ से हम पाइपिंग लगाते हैं वाइट कलर की, जो हमने काटी थी। ये पाइपिंग कैसे लगानी है, ये ऐसे शुरू करनी है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगाते हुए चले जाना फिर ऐसे। चलो लगाते हैं पहले। ये देखिए कितनी सुंदर पाइपिंग लगी हमारी, इधर से भी देख लें, एक ही साथ एक ही बार में हमारी पाइपिंग लग गई। अब इधर से लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ गले से लगाएंगे, यहाँ से ही शुरू करेंगे गले की लगानी। ये देखिए दोस्तों, हमारी कितनी सुंदर पाइपिंग लगी है, ये देखिए साइड में भी गले पर। अब हम इसमें वेलक्रो लगाएंगे, ये ऐसे करके लगा देंगे, एक साइड बाहर एक साइड यहाँ अंदर लगाएंगे, ताकि ऐसे हमारी बंद करने के लिए हो जाएगी। चलो लगाते हैं वेलक्रो पहले। ये देखिए दोस्तों, वेलक्रो लग गई हमारी है दोनों साइड, एक अंदर एक बाहर, तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, ये देखिए बंद हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको पलटना है, और ये हमने इसकी साइड
इतनी इतनी जी साइड ही बंद कर देनी है दोनों साइड से। ये देखिए दोस्तों हमारी सिलाई है लगा ली एक साइड, अब हम दूसरी साइड ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे यहाँ बराबर करके ऐसे चौक का निशान लगा लेंगे ऐसे करके। अब इस पर भी हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों दोनों साइड हमारी सिलाई लग गई है, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी टी शर्ट बनी है, ये देखिए ऐसे। अब इसकी हम निकर बनाते हैं एक साथ ही, हम अपने कान्हा जी को पहना कर दिखाएंगे फिर इसको। देखिए ये मैंने निकर के लिए पट्टी ली है, ये मैंने एक साइड फोल्ड कर दी है पहले ही, ये लिए मैंने 8 इंच लंबी, देखिए 8 इंच लंबी, और ये मैंने रखनी है हमारी ये 2 इंच 1.5 इंच ये हमारी तैयार आ जाएगी। इसको हम छोटी छोटी सी वाइट कलर की यहाँ इस पर यहाँ फ्रिल लगाएंगे, और एक पट्टी हम ये ब्लू कलर की इस पर यहाँ ये पट्टी लगा दूंगी इस पर, और यहाँ इस पर वाइट कलर की फ्रिल लगाएंगे। चलो पट्टी लगाते हैं पहले। देखिए दोस्तों पट्टी लग गई हमारी, अब हम इसकी ये फ्रिल बना लेते हैं। ये फ्रिल मैंने ली है 1.25 इंच के करीब ली है, ये मैंने डबल कपड़ा लिया है इसका, ये देखिए 1/2 इंच ये डबल लिया है मैंने। तो इसकी हम डबल की छोटी छोटी सी ऐसे ऐसे फ्रिल बनाएंगे ऐसे करके छोटे छोटे से, इसमें ऐसे बड़ी सुंदर बन के आएगी ये। चलो बनाते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों हमारी फ्रिल बनकर तैयार हो गई, अब हम इसको थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से काट देंगे ताकि और छोटी बने और सुंदर लगे लग गई। इसको थोड़ी सी ये ऊपर से काट देते हैं। ये देखिए दोस्तों फ्रिल हमने लगा ली है, अब हमने ये इतना सा कपड़ा छोड़ कर लगानी है ताकि हमने ये पूरा 2 इंच ही बनाना है, जो फालतू हमने कपड़ा इधर निकाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे यहाँ इस पर एक सिलाई मार देंगे इसको ऐसे मोड़ कर। ये हमने इलास्टिक लिए 4.5 इंच, क्योंकि 4 इंच तैयार चाहिए तो हमने 4.5 ले लिए। ये देखिए अब इसको इलास्टिक को हम यहाँ से शुरू करेंगे लगाने, इधर से ऐसे इसमें इलास्टिक डाल देंगे, खींच के इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे इस पर। ये देखिए दोस्तों इलास्टिक लगा ली, अब हमने इसको ऐसे पकड़ना है और इसके दोनों साइड सिलाई लगा देनी है ऐसे, ये ऐसे कर ऐसे सिलाई लगा देते हैं ऐसे। ये देखिए दोस्तों ये सिलाई लगा ली है हमने, अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे इस चौक से यहाँ निशान लगा लेंगे इसको। देखिए हल्का सा इसमें कट भी लगा सकते हैं ऐसे करके, इसको यहाँ से कट भी लगा लेंगे इसको। अब इसको हमने ये जॉइंट से ऐसे मिलाना है, ये देखिए, और इस पर यहाँ से हल्की सी ऐसे इतनी सी बस सिलाई करनी है इसमें, ऐसे वी शेप में इसको ऐसे वी शेप में सिलाई करते हैं। दोस्तों ये हमारी निकर तैयार हो गई है, ये देखिए ऐसे सिलाई लगा, ऐसे यहाँ से हल्की सी कट कर दिए। अब इसको सीधा करते हैं और अपने कान्हा जी को पहनाते हैं ड्रेस, कितनी सुंदर लगती है अभी पहना कर दिखाते हैं कैसी लगेगी। ये हमारी चड्डी बन गई है ये देखिए, और ये हमारी इसकी टी शर्ट बन गई है, और ये कैप मैंने पहले से ही बना कर रखी हुई है, ये देखिए कितनी सुंदर कैप बनी हुई है। तो अभी इसको पहना कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों हमने अपने लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहना दी है, ये इनको थोड़ी सी बड़ी आ रही क्योंकि मैंने 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बनाई है, तो इनको थोड़ी सी बड़ी आएगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे कान्हा। ये कैप मैंने इनकी पहले से बना कर रखी हुई थी इसलिए इसी की मैच बना दी मैंने। ये ड्रेस भी ये देखिए इसका, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों अगर ये मेरा बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, आपका एक कमेंट बड़ी खुशी देता है दिल को। और जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को
सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं समय समय से आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।